गजब बिग साइज का। चलिए एक बार फिर से जिंदगी मौत से रूबरू होने के लिए हम लोग एक कल यहाँ से रेस्क्यू करने आए थे और फिर जो है ना कि उसी जगह पे सांप दिख रहा है। हाँ, सांप दिख रहा है और वही सांप है, कोबरा ही है। हाँ, कोबरा ही है। चलिए आइए दिखाइए कौन सांप है, चलिए चलते हैं उसको सही सलामत रेस्क्यू कर लेते हैं। चलिए दिखाइए। और इधर की ओर ही, और इधर ही है इनका सांप। और कल हम लोग तोड़े थे और कहाँ पे, इस जगह पे और चलिए। और कल यहाँ से हम लोग जो है कि एक सांप पकड़ कर लेकर गए थे, बहुत मेहनत करना पड़ा, लेकिन उसके बाद भी जो है कि पेयर में था, लेकिन फिर भी हम लोग को नहीं दिखा, और हमें क्या घर वाले को भी नहीं दिखा वहाँ पे। चलिए देखते हैं आखिर किस मोमेंट पे है वहाँ पे। और बहुत ही डेंजर जोन में है ये। अच्छा यहाँ पे है, मुंह भी निकाला हुआ। हाँ मुंह भी निकाला हुआ, गजब बिग साइज का। और यहाँ पे कहीं और होल इसका नहीं हो, अन्यथा फिर जो है कि हमें प्रॉब्लम कर देगा अगर होल में घुस जाएगा तो। बढ़ते हैं। ओह माय गॉड। और ये, और बहुत ही हम डेंजर जोन में। ओह माय गॉड। माय गॉड। और काफी, और देखिए किस तरह से ये अपना जगह में घुसने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चलिए इसे हम लोग कैच कर लिए। ओह माय गॉड। और काफी पकड़ बना लिए हुए है, और आवाज इसका जो है, ओह माय गॉड। और चलिए, ओह नो, गजब का एग्रेसिव। चलिए इसको धीरे धीरे, ओह माय गॉड। ओह हाँ 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 एकदम एग्रेसिव, गज, ओह माय गॉड। ओह एकदम, चलिए चलिए आ रहे, ओ नो। और चलिए दोस्तों, और इसी सांप को हम लोग नाग, ऐसे ही कोबरा, और इसे ही कहीं कहीं पे फिटार के नाम से जाना जाता है। आराम से आइए ना, आराम से आइए, आप आइए नजदीक, आइए थोड़ा, अरे नजदीक। ओह माय गॉड। और एकदम गजब का आवाज, एकदम एग्रेसिव। ओह माय गॉड। ओह ओह नो। चलिए चलिए इधर से भी कर रहे हैं, किसे किसे। चलिए 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 यहीं पे, यहीं पे, यहीं पे ठीक रहेगा। हाँ ओह माय गॉड। और ये दो दो सांप इनके घर में था, और उस समय कल जो है ना कि, जी हाँ कल एक सांप था, एक रेस्क्यू किया गया। ओह माय गॉड। आपको लगता है लेडीज है। और उनका कहना है कि सांप, जी हाँ। ओह माय गॉड, गजब का एग्रेसिव।
और चलिए नाग नागिन जो है कि अलग तरीके से पहचानल जाए छे ना देख के जो है कि नाग नागिन ना हो सकल। चलिए इसको सही सलामत रेस्क्यू कर ली। और इस सांप से जितना नजदीक हम जा रहे थे यहाँ पर जो भी लोग देख रहे हैं इतना नजदीक आप लोग जाने की कोशिश एकदम न करेंगे ठीक है। और ये रियल में ये नागिन है और हाँ इसमें जो है कि पेट में अंडा भी जो है कि अपना ऑब्जर्व किया हुआ ये टट्टी भी कर दिया। अगर ये एक दो महीने के बाद जो है कि ये कुछ महीनों के बाद ये अंडा जो है कि आपके घर में ही दे देता है ये संजोग ठीक है कि आपके यहाँ से रेस्क्यू हो गया अन्यथा फिर जो है कि घर में सपोला ही सपोला आपको दिखता। चलिए ओह माय गॉड बैग मेरा दीजिएगा माय गॉड ओह ओह माय गॉड गजब का। और किस तरह से मुंह फाड़ कर एकदम बाइट करने की कोशिश किया और नो गजब ओह माय गॉड। चलिए आप लोग एकदम दूरी बनाए रहे। चलिए इसको अब सही सलामत हम लोग पैक कर लेंगे। ओह माय गॉड और यहाँ पे आप देखने की कोशिश देख सकते होंगे कि टेल इसका जो है कि एकदम पतला हो गया है और यहाँ पे कितना मोटा मतलब कि ये फीमेल है जो अपने अंडे को जो है कि ऑब्जर्व करके रखी हुई ओह माय गॉड। और कैमरे के ऊपर ही वार किया चलिए अभी से हाँ पब्लिक को भी ले लीजिए। चल चलिए इसको सही सलामत रेस्क्यू कर लिया गया और सही सलामत इसको जंगल में छोड़ दिया जाएगा या फिर वन विभाग के हैंड ओवर कर दिया जाएगा। वीडियो पसंद आया तो हमारा यूट्यूब चैनल स्नैक रेस्क्यू मुजफ्फरपुर को लाइक करें कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही बेजुबा जानों का जान बचाया जा सके। फिर मिलते हैं ऐसे ही रोचक और खतरनाक अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद।